अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं आयशा बख्श। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। दहशतगर्दों, टारगेट किलर्स, गैंगस्टर्स और डाकुओं के खिलाफ एक्शन होगा। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन करेगी, पुलिस उसकी मदद करेगी। वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया। वजीर दाखिला ने कहा है कि कुछ हसास फैसलों का ऐलान नहीं करेंगे, उन पर अमल से अवाम को खुद एहसास होगा। कराची में फौजी ऑपरेशन की तजवीज मुस्तरद। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि रेंजर्स को पूरा इख्तियार दिया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन तब्दील किए जाएंगे, पुराने कवानीन के साथ अमन नहीं हो सकता। तालिबान ने कराची में कदम जमा लिए। लश्करे झंगवी और लियारी के गैंगस्टर्स का गठजोड़ हो गया। 458 टारगेट किलर्स का पता चला लिया। सियासी और फिरकावाराना तंजीमों की पुश्त पनाही हासिल है। इंटेलिजेंस इदारों की वफाकी काबीना को रिपोर्ट। सिंध के बिगड़े हालात में तगड़े आईजी आते आते रह गए। जुल्फिकार चीमा की तैनाती का ऐलान हुआ। सिंध हुकूमत के एतराज पर तर्दीद आ गई। कोई ओहदेदार नहीं बदलेगा तो सूरत हाल कैसे बदलेगी। कराची के शहरियों को दोनों हाथों से लूटने वालों को हथकड़ी कौन डालेगा। काला बजट है 83 करोड़ रुपए रोजाना। कई करोड़ सरकार के नाम पर लूट लिए जाते हैं, बाकी लुटेरों का कोई नाम नहीं होता। सरकार जज अपनी अदालत लगाए या काबीना अपना इजलास बुलाए। टारगेट किलर्स किसी दिन छुट्टी नहीं करते। आज भी नेवी कैप्टन, रेंजर्स एहलकार और पुलिस कांस्टेबल समेत 13 अफराद को जान से मार डाला। अवाम को ना सताएं। बिलावल हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, कमिश्नर हाउस, सब जगह से रुकावटें हटाएं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के रेड जोन में तमाम सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया। अमेरिका और रूस में ठन गई। रूसी सदर का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस को शाम पर हमले का कानूनी जवाब देने का कोई हक नहीं। अमेरिकी सदर ओबामा कहते हैं कीमियाई हमले के शवाहिद मौजूद हैं। बशार उल असद को सख्त पैगाम देना चाहते हैं, प्यूटन पोस्ट बना ही छोड़ दें। Good shot. ऐसे करते हैं बैटिंग। जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने मेहमानों को परफॉर्म करके दिखाया। पाकिस्तान के 249 रन के जवाब में 32 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 3 विकेटें बाकी। डायनो अवार्ड्स आ रहे हैं, दुनिया भर में तहलका मचाने। ट्रांसफॉर्मर सीरीज की चौथी फिल्म का पहला पोस्टर मंजर आम पर आ गया।